ओके जी, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेस टाइम डायग्राम को, ठीक है जी। तो स्पेस टाइम डायग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा क्विक रिव्यू है, तो थोड़ा सा उसी डिस्कशन को एक्सटेंड भी करूंगा मैं, कि ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ स्पेस टाइम डायग्राम्स के बारे में। लाइक अगर हम स्पेस टाइम डायग्राम की बात करें तो हमारे पास स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चीजें हैं, एक्स वाई एंड जी। ये रिप्रेजेंट कर रहा था जी स्पेस को, और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए था जी हमारे पास टी, ठीक है। तो स्पेस टाइम डायग्राम की जब हमने डिस्कशन की थी तो उसमें क्या था कि एक हमारे पास टाइम का कंपोनेंट था, टाइम का एक्सिस था, एक एक्सिस टाइम का था और एक एक्सिस स्पेस का था। और इसमें आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि इट डिपेंड ऑन यू कि आप अलोंग एक्स एक्सिस टाइम ले लें या अलोंग वाई एक्सिस टाइम ले लें, ठीक है। लेकिन अब फर्दर जो हमारी डिस्कशन होगी उसमें हम लोग जो हमारा वाई एक्सिस है उसको हम हमेशा टाइम कंसिडर करेंगे और एक्स एक्सिस को एज अ स्पेस कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो ऑब्जर्वर होता है, जो भी ऑब्जर्वर होगा उसकी ऑब्जर्वर की जो वर्ड लाइन होती है, वो वर्ड लाइन जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और हमने ये डिस्कस किया था कि जो वर्ड लाइन है वो हमेशा क्या होगी, ऑब्जर्वर की वर्टिकल होगी, या इन अदर वर्ड्स वो पैरेलल होगी हमारे टाइम के, ठीक है जी। वर्ड लाइन हमेशा क्या होती है, पैरेलल टू द टाइम कंसीडर की जाती है हमेशा, ठीक है जी। तो लेट्स से ये एक वर्ड लाइन हमने ड्रा की, तो ये पैरेलल क्या है जी, टाइम के एक्सिस के। तो इसमें क्या है कि स्पेस चेंज नहीं हो रही लेकिन ऑब्जेक्ट का टाइम चेंज हो रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह से भी इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि एट द नाइट टाइम्स अगर आप एक जगह पे बेड पे आप सो रहे हैं तो आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे बट टाइम आपका पास हो रहा होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रॉन्ग हमारे पास ये क्या होगा, उसकी वर्ड लाइन उस ऑब्जेक्ट की जो कि रेस्ट पे है लेकिन टाइम स्पेंड हो रहा है, तो ये एक वर्टिकल लाइन है जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके थे। उसके अलावा जो हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास लाइट है और हम स्पेस और टाइम को रिप्रेजेंट करना चाहें, फॉर द टाइम बीइंग अगर आप लाइट को इग्नोर कर दें, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है, लेट्स से ये मूव कर रहा है ये येलो लाइन में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि रेड जो है, रेड वाला रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्ट किस पे है जी, रेस्ट पे है, ठीक है, और इट मे बी एन ऑब्जर्वर, ठीक है। जो येलो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन आएगी, एक लीनियर लाइन आ रही है, तो इट मीन टू से कि वेलोसिटी क्या है उसकी, कांस्टेंट है वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वर्ड लाइन है जो येलो कलर में अगर बनेगी, इट मीन से कि ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या है कि अगर एक और वर्ड लाइन बनाई जा सकती थी कि लाइक अगर इसी जगह पे मैं एक और वर्ड लाइन बनाता हूँ, लेट्स से ये ग्रीन कलर में, ठीक है, एंड इट सीम्स लाइक अ कर्व। ये एक क्या कर रही है हमारे पास, एक कर्व शेप में, ठीक है। तो अगर ये कर्व शेप में है, इट मीन्स कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम या ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो जाती है कहीं पे ज़्यादा, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स के उसकी वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो ये एक जनरल थी एक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्पेस टाइम डायग्राम। अब पॉइंट ये है कि स्पेस को जो आपने चीज समझनी है कि स्पेस में एक्स वाई जी है, तो एक्स वाई जी को अब आपने यहाँ पे जस्ट एक सिंगल एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है, कि यानी कि इसको बनाने का मकसद क्या था, इस स्पेस टाइम डायग्राम को
इसमें जो आपको आया जो एक्स एक्सिस जो था ये बेसिकली एट द सेम टाइम एक्स वाई और जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये एक स्पेस टाइम था जो हमने राइट हैंड पर ड्रा किया, डेट इज अ स्पेस टाइम डायग्राम से स्पेस टाइम रिप्रेजेंटेशन। और स्पेस टाइम में क्या होती है, फोर डायमेंशन होता है वो, एक्स वाई जी एंड टी। तो डेट इज ऑलवेज फोर डायमेंशन। अब फोर डायमेंशन को आप सिंगल पेज के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जब आप फोर डायमेंशन को सिंगल पेज पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो इसके लिए आप क्या करोगे फिर, कि इसको कन्वीनियंट करने के लिए कि ताकि आप ऑब्जेक्ट की मोशंस को डिस्कस कर सकें, तो जो स्पेस का कंपोनेंट था उसको एक सिंगल एक्सिस के तौर पे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि हम उसको हम स्पेस कहते हैं। और इन दो इन और इन कैजुअल वर्ड यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म पोजिशन। ठीक है, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसमें एक्स वाई और जी आर एक ही एक्सिस के ऊपर हम लोग सपोज कर रहे होते हैं। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन है एनीवन? ये एक रिव्यू टाइप है, इसमें मोस्टली चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। जस्ट एक चीज आई थिंक मैं आपको आपको मैंने एक्सप्लिसिटली क्लास में नहीं बताई थी, वो ये था कि एक्स वाई जी जो है वो पूरे के पूरे एक ही एक्सिस के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसको एज अ यूनी एक्सिस डिस्कस करके उसमें हम स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ताकि हम फोर डायमेंशन को अंडरस्टैंड कर सकें, विजुलाइज कर सकें ऑन अ सिंगल पेज टाइम और स्पेस के लिहाज से। कोई क्वेश्चन आए यहाँ तक एनीवन? ये एक तकरीबन सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। ओके, हमजा आपका माइक म्यूट अनम्यूट हुआ, कुछ पूछना है? मैंने यही कहना था कि सर कि ठीक है। हाँ ओके बच्चे, ओके ओके। अब आगे, अब जो मेन जो चीज है जो आज का हमारा जो फोकस है वो ये था कि अब डिस्टेंसेस कि अब अगर ये देखो कि फॉर एग्जांपल अब जो गूगल अल्टीमेटली पहुंचना है हमने मिंकोस्की स्पेस टाइम पे, तो मैं जस्ट उसकी एक बेसिक डेवलप करना चाह रहा हूँ कि लाइक अब हमारे पास अभी आप फिलहाल स्पेस टाइम डायग्राम का भूल लीजिए, हमारे पास 2D है। लेट्स से हेयर इज एक्स एक्सिस एंड हेयर इज अ वाई एक्सिस, और इसमें यहाँ पे कोई इवेंट हुआ है, यहाँ पे मैंने स्टार ड्रा किया। लेट्स से ये कोई इवेंट है स्पेशल रिलेटिविटी की लैंग्वेज में, या अगर सिंपल वर्डिंग में बात करें तो डेट इज अ सिंगल पॉइंट। अब इस पॉइंट का अगर आपने ओरिजिन के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो उसका फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल अंडर रूट। हाँ, तो यानी कि उसको मैं यानी कि और ये था कि डिस्टेंस फार्मूला था कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये जो आपने सिंपल डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है। लेफ्ट साइड पे भी डी स्केयर है और भी स्केयर, अगर आप स्केयर खत्म करें तो वी विल यूज x2 - x1 का होल स्केयर प्लस y2 - y1 का होल स्केयर एंड स्केयर रूट, जो आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर चले अब हम स्पेशल एडिटिविटी में स्केयर रूट वाली फॉर्म को कम यूज करना है, हमने नॉर्मली हम ये जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज करेंगे। अब इसको इसी में अगर आप अज्यूम ये करें कि हम डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, ओरिजिन से ले रहे हैं, तो इस फार्मूले की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनेगी? 0 आ जाएगा एक पॉइंट। यानी कि आप इसको ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही है ना, क्योंकि वाई स्क्वायर एक पॉइंट क्या हो जाएगा। हाँ, तो आप इन अ वेरी सिंपल वर्ड यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस लिया जा रहा है, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0, और ये पॉइंट क्या पॉइंट जाएगा एक्स वाई। तो जब इसमें आप ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली डिस्टेंस का रिलेशन क्या बनेगा, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। तो एक कंफ्यूजन यहाँ तक जो डिस्टेंस फार्मूला बनाया हमने। नो सर। ओके,
अब इस डिस्टेंस फार्मूला में अगर इसी डिस्टेंस को मैं एक्सटेंड करूं, इसी डिस्टेंस को मैं एक्सटेंड कर देता हूं थ्री डायमेंशन में, ठीक है जी। अगर इसी को आप थ्री डायमेंशन में एक्सटेंड करें तो डेट विल बिकम एक्स वाई एंड जी, और अगर ओरिजिन से ही डिस्टेंस लिया जाए तो वो क्या बनेगा फिर, डी स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस जी स्केयर। अब जी स्केयर एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि हमने एक नई डायमेंशन ऐड की, पहले क्या था टू डायमेंशन था, अब क्या हो गया थ्री डायमेंशन हो गया, तो उस डायमेंशन को भी हमने ऐड कर लिया। अब लेकिन जब इसके आगे फर्दर हम एक्सटेंड करते हैं स्पेशल रिलेटिविटी के इन डायग्राम्स को, इस डिस्टेंस की टेक्निक को, तो क्या होगा कि अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा फर्दर डायमेंशन आएगी 4D के लिए जो कि टाइम डायमेंशन है, ठीक है जी। अब उस टाइम को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि एक्स वाई जी तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम को आप एक फर्दर जो है डायमेंशन के तौर पे एक पेज के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए स्पेस टाइम डायग्राम यूज की गई। लेकिन कहते हैं एक्स टू जो डायमेंशन होती है डेट विल बी वाई, एक्स थ्री वुड बी जी, एंड एक्स फोर क्या आ जाएगा जी, टी टी। अब ये सिंपल टी नहीं होता, वी विल जो इसके जो प्रॉपर जो है वो है जी आई सी टी, तो ये फोर डिफरेंट डायमेंशन। अब मेन चीज आज की है जो न्यू है आज में, ये आई सी टी क्यों लिखा हमने, व्हाट इज आई ओवर हियर एंड व्हाट इज सी ओवर हियर एंड व्हाट इज टी ओवर हियर। तो आई जो है आई फॉर द इमेजिनरी कंपोनेंट, ठीक है जी, आई इमेजिनरी है, इमेजिनरी जो आयोटा होता है ना एक्चुअली दिस इज आयोटा, और सी क्या है आप सबको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट, लाइट स्पीड ऑफ लाइट, हाँ, और टी क्या था टाइम था हमारे पास, ठीक है जी। तो इन सब चीजों को इसमें हमें कंपोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं। अब द पॉइंट इज दैट के हमने आयोटा का यहाँ पे यूज क्यों किया, क्योंकि एक्स वाई जी जो हमारे पास स्पेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, यू कैन ड्रा ऑन योर पेपर। लेकिन जो टी है जो टाइम का जो कंपोनेंट है उसको हमने इमेजिन किया होता है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसको एज अ डायमेंशन हम इमेजिन करके चलते हैं कि दैट इज एन फोर्थ डायमेंशन जो कि एक इमेजिनरी पार्ट होता है, इसलिए उसके लिए हम फिर आई सी टी के कंपोनेंट यूज कर देते हैं। तो अब इस केस में जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि अगर डी स्केयर क्या है हमारे पास एक्स वन स्केयर प्लस एक्स टू स्केयर प्लस एक्स थ्री स्केयर प्लस एक्स फोर स्केयर। अब एक्स वन की वैल्यू क्या होती है सिंपल एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा डी आयोटा सी टी का होल स्केयर, ठीक है। जब ये चीज आ जाएगी अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे हम ताकि हमें फोर डायमेंशन यानी कि स्पेस स्पेस टाइम डायग्राम में जो डिस्टेंस फाइंड करने का रिलेशन है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकें। तो ये क्या आएगा यहाँ पे माइनस सी स्केयर एंड टी स्केयर, ठीक है जी। वो क्यों आया yes, तो आयोटा था तो आयोटा स्केयर अपने को सिंपल करने के लिए हम सी को सपोज कर लेते हैं वन, तो अल्टीमेटली यू विल गेट डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस क्लियर है बात। सर हम सी कैसे मान ले सकते हैं, बस सी इज अ कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट हमने सपोज किया ना कि दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्चुअली डिस्टेंस का फार्मूला जो प्रॉपर फॉर्म है दैट यही आपको प्रीसाइज कैलकुलेशन देगा ये वाला रिलेशन, ठीक है।
लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम सी को वन सपोज कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट है, उसको कॉन्स्टेंट आप कुछ भी सपोज कर लेते हैं। अपनी स्पेस टाइम डायग्राम में वर्ड लाइंस को स्मूथली ड्रा करने के लिए, इसके अलावा और ऐसा कोई पर्पज नहीं होता। ठीक है, सही एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में लेंगे ना? नहीं, हम जो यूज करेंगे हमने विदाउट स्क्वायर रूट यूज करना है, हमेशा डी स्क्वायर इक्वल टू दिस होगा। अब हमारी जितनी भी स्पेशल रिलेटिविटी या जनरल रिलेटिविटी आगे हम पढ़ेंगे तो आपको हमेशा इसी फॉर्म में लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, ओके सर। तो इसमें हम स्केयर रूट फॉर्म नहीं यूज करते, नॉर्मली इसी ट्रेंड को यूज करते हैं। ओके, अब इसमें जो चीज थी कि ये जो डिस्टेंस बना, ये डिस्टेंस था फोर डायमेंशन में था, ये डिस्टेंस फोर डायमेंशन में हमने फाइंड किया और अलोंग द टाइम, यानी कि टाइम को एक फोर्थ डायमेंशन कंसिडर करके हमने यूज किया। और यहीं से मैंने बेसिकली बात शुरू की थी कि अब इस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वो फोर डिफरेंट लाइन ड्रा नहीं करते, हम इसको एज अ पूरे को ही एक स्पेस ड्रा करेंगे और इसको एज अ टाइम ड्रा करेंगे और इसके बिटवीन ही हम इमेजेस को ड्रा करते हैं, यानी किसी भी चीज़ की जो मोशन है, कोई ग्राफ है जो उसका, वो इस इधर ही इस तरह से ही रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ओके, अब इसमें जो चीज सीखने वाली है कि अगर आप इसमें लेट्स सी, हाँ, कि अगर सी को वन ले लिया जाए, ठीक है, हमारे पास ये जो था एक्स इज इक्वल टू क्या था जी, सी इंटू टी है। एक्स इज इक्वल टू सी टी क्यों आया, क्योंकि हमने जब स्पेस टाइम ड्रॉ की, स्पेस टाइम डायग्राम रिप्रेजेंट की हमने यहाँ पे, तो जो एक्स है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हम रिलेशन बना रहे हैं स्पेस का और टाइम का, एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द स्पेस ओवर हियर और टी रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी टाइम को, और एक्स जो वो एज अ कंप्लीट स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्पेस को अगर आप फर्दर कैटेगराइज करें तो डेट विल बी इन दिस फॉर्म। ठीक है, अब ये देखो, अगर इसमें c को 1 लिया जाए तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू t, ऐसे ही है। सर, ये x इज इक्वल टू ct कैसे लिया हमने? बच्चे, हमने इधर ना रिलेशन डेवलप करना है बिटवीन स्पेस एंड टाइम। ये देखो, ये था सी स्केयर टी स्केयर लिखा ना मैंने यहाँ पे, इसमें इस जगह पे सी स्केयर इज इक्वल टू टी स्केयर, तो ये किसके इक्वल था, एक्स फोर का स्केयर था ना, एक्स फोर यानी कि फोर्थ डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो उस चीज को तो हमें लेकर दिया कि हमें डिस्टेंस और टाइम के बनाने के लिए रिलेशन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक्स जो है वो स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्पेस किस फॉर्म में है, एक्स वाई और जी की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि स्पेस का टाइम के साथ रिलेशन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और सी क्यों मान लिया, मैं उस चीज को पहले एक्सप्लेन कर लेंगे कि सी वन लोगे तो आपकी वर्ड लाइन बड़ी स्मूथ ड्रा होती है। अगर इसमें x इज इक्वल टू सी टी आ गया तो x इज इक्वल टू, अगर t आ जाए, अगर आप c इज इक्वल टू वन सपोज कर लें, इसमें c इज इक्वल टू वन सपोज कर लेंगे अगर आप, तो होगा क्या कि हमारे पास क्या, अगर आप अगर y और x एक्सिस हो तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, किसी को पता है? सर, स्लांट लाइन ओरिजिन को कट करती है। ओके, ओरिजिन से जाती है, और किस एंगल पे जाती है? 45. हाँ, 45, ये मैंने एक दफा ज्यादा रिपीट तो नहीं किया, लेकिन एक दफा मैंने क्लास में ये चीज बताई थी कि ये 45 के एंगल पे जाएगी। ठीक है जी, अब ये यहाँ पे मैं रेज करके थोड़ा सा मैंने नई डायग्राम बनाने लगूँ ताकि आपको ना मैं वो जो चीज में बनानी है वो एक्यूरेट बन सके आपके सामने। ओके, अब अगर इसमें हम डायग्राम बनाए जी, लेट से कि ये की है, एक्सिस है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चे। सर,
नंबर 17 के टेंडर्स लगा दे, मेरा नेट इशू था इस वजह से मैं उसके पे अवेलेबल बच्चे बाद में लगाते हैं, एक सेकंड में ये इधर रैक पे कवर कर लेना, मैं कल लगा दूंगा मैं। ओके सर। ओके जी, अब ये सारी स्पेस और ये है हमारे पास टाइम। सर जी जी सर, आपने 45 डिग्री का क्या बताया, मेरा नेट का थोड़ा मसला हो गया था। 45 मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा, एक मिनट मैं बताता हूं अभी बच्चे, मैं इसी को एक्सप्लेन करने लगा 45 को। ओके अब ये है जी, लेट्स से हमारे पास 45 डिग्री पे मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूं, ठीक है जी। अब ये देखो कि ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी इन एक्चुअल, कि ये रिप्रेजेंट करेगी x इज इक्वल टू t को, ठीक है। 45 डिग्री का मैंने ये बताया था कि स्पेस टाइम डायग्राम में हम हमेशा वर्ल्ड लाइंस ड्रा करते हैं, कि हम ये देखते हैं कि स्पेस के अलोंग और टाइम के अलोंग ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसकी वर्ल्ड लाइन क्या बनेगी, एक वर्टिकल लाइन बनेगी, ठीक है जी। ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी वर्ल्ड लाइन क्या बनेगी, वर्टिकल बनेगी। लेकिन अगर आप वर्ल्ड लाइन बनाते हैं लाइट की, और उसमें आप लाइट को जो है उसको वर्ल्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस टाइम डायग्राम में, तो स्पेस टाइम डायग्राम में वर्ल्ड लाइन जो मैंने येलो में ड्रा की है, वो अपने एक्स एक्सिस यानी कि स्पेस एक्सिस और टाइम एक्सिस दोनों के साथ 45 डिग्री का एंगल है, और इस जगह पे भी उसका टाइम एक्सिस के साथ भी क्या डी 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ रही बात की 45 डिग्री के बारे में, और ये क्यों बनता है, क्योंकि मैंने अभी आपको इक्वेशन बताई है कि इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू t, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो जब आपके पास x और y यानी कि दो अगर एक्सिस हों और वो दोनों इक्वल आ जाएं, तो वो हमेशा उनका जो ग्राफ बनता है वो 45 डिग्री पे कट करने वाली स्ट्रेट लाइन बन रही होती है, ठीक है जी। और उसकी स्लोप क्या होती है, हमारे पास हमेशा 1 होती है, स्लोप क्या होगी उसकी 1, इस लाइन की येलो लाइन की स्लोप क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 है, वो अब आपको पता होना चाहिए स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। अगर y इक्वल टू x है तो इसमें स्लोप फाइंड करनी है, तो आपको स्लोप का फार्मूला एक तो ये है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस फार्मूला को अगर आप यूज करोगे तो आपके पास इसकी स्लोप आ जाएगी। सर ये जो मतलब ये जो येलो लाइन है, ये स्पीड ऑफ लाइट की वर्ल्ड लाइन है जी, ये लाइट की वर्ल्ड लाइन है, येलो लाइन मैंने लाइट की ड्रा की है, ठीक है। अब इसको ड्रा करने के एक पर्पस है, ये इसलिए मैंने ड्रा की है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा मेन टारगेट है मिंकोस की स्पेस टाइम को समझने का, और वो कि ऐसा कोई डिफिकल्ट स्पेस टाइम नहीं है, दैट इज आम जो आपकी स्पेस टाइम जो हमें भी आपके सामने जो मैंने ड्रा की हुई है, कि ऐसी स्पेस जिसके अंदर आप टाइम को एज अ फोर्थ इमेजिनरी डिमेंशन लेके चलें, दैट वुड बी द मिंकोस की स्पेस टाइम। सिंपल सी बात ये होती है कि जो कि दो एक्सिस पे मुश्तमिल होती है, इट डिपेंड्स ऑन टू एक्सिस, वन इज फॉर द टाइम एंड सेकेंड इज फॉर द स्पेस, और स्पेस में क्या होगा एक्स वाई और जी उसके अंदर ऑलरेडी मर्ज होते हैं, ठीक है, उसको हम एज अ होल एक्सिस डील कर रहे होते हैं, और स्पेस और टाइम के बिटवीन जो भी ग्राफ आप ड्रा करते हैं वो एज अ होल क्या कहलाता है, मिंकोस की स्पेस टाइम कहलाएगी, ठीक है। तो अब जितनी भी हम डायग्राम्स पढ़ेंगे वो स्पेस और टाइम के अलोंग बना करेंगी, और उसको एज अ होल हम क्या कहते हैं, स्पेस टाइम कहते हैं। और अगर वो जिनकी एक रेगुलर है जिसमें जैसे लाइट 45 के एंगल से ड्रा होकर जा रही है, तो डैट वुड बिकम द मिंकोस की स्पेस टाइम, ठीक है। तो एक आम जो रेगुलर स्पेस टाइम की जो डायग्राम होती है वो ही क्या होती है हमारे पास, बेसिकली मिंकोस की स्पेस टाइम कहला रही होती है, उसकी प्रॉपर्टी वही होती है जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताएं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी मोशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी मोशन क्या होगी,
ये मगर मैं दोबारा जाऊं वापस तो लेट्स से ये जो था ये बेसिकली अभी मैंने जानबूझ के मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था लेकिन ये ही बेसिकली क्या होती है आपके पास मिंकोस की स्पेस टाइम खिला रही होती है क्लियर है बात कि जिसमें आप एक एक्सिस पे स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं और एक एक्सिस पे आप टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कोई क्वेश्चन है बताइए यहाँ तक ओके अब इसमें एक चीज हो रहा है हमारे पास कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ठीक है तो इसको हम क्या करते हैं कि जब आप ये स्पेस टाइम डायग्राम बनाते हैं तो जो हर एक जगह का जो गैप है लेट्स से ये है 1 ये 2 है यहाँ पे ये 1 है और ये क्या है जी 2 है तो इनके दरमियान जो ये जो पहला जो हमारे पास ये जो गैप है ये होता है जी 3 × 10⁸ मीटर पे और ये इधर पहला जो हमारे पास गैप होता है ये 1 सेकंड एंड 2 सेकंड ठीक है और ये पहला कह रहा 3 × 10⁸ और नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा 2 × 3 तो 6 × 10⁸ मीटर ठीक है जी एंड क्योंकि स्पेस है तो वो जस्ट मीटर्स में होगी तो y एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस में जो गैप होता है वो हम 1 सेकंड कर लेते हैं लेकिन स्पेस में क्या होता है जी 3 × 10⁸ मीटर का गैप लिया जाता है समझे बात ये स्पेस टाइम मिंकोस की स्पेस टाइम को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हम पहले सपोज करते हैं ताकि हमारी जो वर्ड लाइंस हैं वो स्मूथली ड्रा हो सके यानी कि गैप आप क्या रखते हैं जी क्या क्या बच्चे सर ये जो अभी आपने बताया ना ये दोबारा जरा एक्सप्लेन कर दें वो समझ नहीं आई ओके बेटा सर इसमें दो चीजें मैंने बताई हैं पहली बात कि एक्स एक्सिस के ऊपर स्पेस है वाई एक्सिस पे टाइम है वाई एक्सिस पे जो टाइम है उसमें जो आप उनके दरमियान जो गैप रखते हैं मार्क्स जो लगाते हैं 1, 2 का मार्क लगाते हैं टाइम में उनमें 1, 2, 3 सेकंड का गैप होता है पहले 1 सेकंड टाइम एक्सिस पे देखें फिर 2 सेकंड देन 3 एंड सो ऑन लेकिन जब आप स्पेस एक्सिस पे आते हैं तो उनके जो मार्क्स होते हैं एक्स एक्सिस में जो आपने जो गैप रखा होता है वो 3 × 10⁸ मीटर्स का होता है क्योंकि जो लाइट की स्पीड को हम स्टैंडर्डाइज रखते हैं ना कॉन्स्टेंट रखते हैं हम तो हम फिर जो गैप लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि इन अदर वर्ड स्पेस वाले एक्सिस के ऊपर जो मैंने रेड में यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या होता है 3 × 10⁸ और 3 इसी गैप के साथ आगे वाला नेक्स्ट जो मार्क आप लगाएंगे वो 3 का कर देंगे 2 टाइम्स कर देंगे फिर 3 × 4 × 5 एंड सो ऑन आके मूव होता जाएगा बस मैंने ये बताया कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर गैप कितना रखना होता है जो मिंकोस की स्पेस टाइम में होता है ठीक है अगर अभी भी समय नहीं है तो बता दो मैं रिपीट कर देता हूँ नो सर आ गई है समझ ओके बच्चे अब यानी कि ये सारी पहला जो मार्क है वो कहाँ पे था 3 × 10⁸ पे था इस तरह दूसरे वाला 6 × 10⁸ था ओके अब ये जब मिंकोस की स्पेस टाइम बन गई हमारे पास और स्पीड और लाइट की वर्ल्ड एंड भी हमें ड्रा कर दी जो कि 45 एंगल पे कट करके जा रही होती है ठीक है जी अब इसके बाद इसको एक्सटेंड करके हमने स्टडी करना है जी लाइट कौन को मुझे पहले देखने दें कंटेंट हमारे जो आज के थे हाँ मिंकोस की होगी या 2D के डिस्टेंस हो गए ओके अब लाइट कौन के बारे में डिस्कशन करनी है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग भी कॉन्सेप्ट है इसको ज़रा समझ लेना अच्छे से कि अगर हमारे पास स्पेस टाइम है मैं दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ ताकि वो लाइट कौन ज़रा प्रॉपरली बन सके लेकिन हाँ उससे पहले एक और चीज़ देख लें कि अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है
अगर इस जगह पे कोई लाइट ब्लिंक करती है, कोई इवेंट हैपन होता है, तो ये लाइट कितनी डायरेक्शन में जा सकती है? मैनी डायरेक्शन सर, एवरी डायरेक्शन। क्यों, कितनी मैनी होगी? अगर लाइट यहाँ पे है, और ये भी जेम में ये देखोगे ये है कहाँ पे, हो कहाँ पे रहा है ये इवेंट, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में हो रहा है सर, एवरी डायरेक्शन। ओके, यानी कि इधर से इस साइड पे भी इस डायरेक्शन में ये लाइट मूव करेगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें होगा क्या कि ये है टू डायमेंशन में, है किसमें, ये जस्ट टू डायमेंशन में, तो अगर ये टू डायमेंशन में है तो इट विल फॉर्म अ डिस्क, ये डिस्क फॉर्म करेगी। अगर पेज है ना तो उसी पेज के ऊपर रहेगा ना, पेज से ऊपर तो नहीं ना, पेज के पेज से बाहर तो नहीं ना आ सकेगा। अगर पेज को आप टू डायमेंशन कंसिडर करें तो उसी पेज के ऊपर ही यानी कि ये लाइट रहेगी, लेकिन पेज से बाहर ये नहीं आ सकेगी। यानी कि एक सिंपल ये समझ लें कि आपकी जैसे एक सीडी ड्राइव होती है, जो डिस्क सीडी की जो डिस्क होती है, ये लाइट जब हम ब्लिंक करेंगे तो टू डायमेंशन में जस्ट एक क्या फॉर्म करेगी, ये एक डिस्क फॉर्म करेगी। लेकिन इसी लाइट को अगर आप ब्लिंक करवाएं कहाँ पे दी, थ्री डायमेंशन में, अगर आप इसको थ्री डायमेंशन में ब्लिंक करवाएंगे तो देन ये लाइट क्या करेगी कि ये हर डायरेक्शन में तो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या कहते हैं अपवर्ड भी आएगी। अपवर्ड मीन के यानी कि इसमें क्या बनेगी, डिस्क बन रही होगी और इसमें क्या बनेगा, वही डिस्क स्फीयर बन स्फीयर, यानी कि यहाँ पे सर्कल था ना डिस्क में, इसको आप ये भी समझ लें कि सर्कल बना रहा था ना यहाँ पे, तो वही सर्कल में एक नई डायमेंशन जो जी ऐड होगी, तो वो सर्कल क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्लास में भी एक दफा मैंने एग्जांपल दी थी, एक सेकंड, मेरे पास एक शायद इमेज हो, मैं उस इमेज से आपको इधर ड्राफ्ट तो नहीं किया जा सकता उसी डायमेंशन में, लेकिन लेट मी ट्राई। हाँ एक सेकंड, मैं आपको मुझे दिखाऊंगा कैसे। मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह आपको मैं दिखा सकूँ। हाँ ओके ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं कह रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये बड़ा ज़रूरी है।
सर जी जी बच्चे हेलो आवाज आ रही है स्टूडेंट्स यस सर यस सर आप बोल रहे थे ना आ रहे आवाज नहीं आ रही नहीं नहीं वो मैं मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मैं वो कर रहा था तो उधर मैंने भी दूसरा नेट दोबारा से कनेक्ट किया वो जो मैं यूज कर रहा था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था उसी टाइम सिर्फ पिक्चर्स okay. मिल गई मैंने हाँ मैंने अभी वो इसीलिए मैंने ग्रुप में भेज दी ताकि मुझे ना वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर सकूँ मेरे मोबाइल में थी तो अब मैंने उसको यहाँ पे किया तो आप भी डिस्कस करते हैं ओके स्क्रीन शेयर हो रही है जो चीज मैंने डिस्कस करना मैं चाह रहा था पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ ये डायग्राम थी हाँ ये डायग्राम शो हो रही है यस सर हो रही ओके इस डायग्राम को देखें कि इसमें जो बिल्कुल इसके जो मिड में जो राइट साइड पे जो है उसके बिल्कुल मिड में आपको ग्रीन कलर का डॉट नजर आ रहा होगा ठीक है यस सर अब वो बेसिकली लाइट सोर्स है यानी कि वहां पे बेसिकली इवेंट है यानी कि वहां पे लाइट आपकी ब्लिंक की है तो वो लाइट उसने एरो से बताया हुआ कि लाइट क्या जा रही है चारों तरफ हर तरफ वो लाइट क्या जा रही है लाइट एमिट हो रही है हर तरफ जा रही है और एमिशन की वजह से ये क्या बन रही है डिस्क बन रही है हर जगह जो सर्कल इसने पर आए हुए हैं हर सर्कल पे बेसिकली लाइट आपकी पहुंच रही है और सेम टाइम पे पहुंच रही है ठीक है समझ रहे बात तो ये जो चीज थी ये टू डायमेंशन में ऐसा है लेकिन इसी सर्कल को अगर आप अज्यूम करो कि लाइट है लेकिन टू डायमेंशन में नहीं है थ्री डायमेंशन में यानी कि लाइक आपके रूम में है अगर आपके रूम में है तो वो चारों तरफ वो लाइट आपकी जाएगी यानी कि उसमें फिर इस तरह से वो स्फीयर फॉर्म करेगी जैसे वो इस जहाँ स्फीयर काटा हुआ है इसका मिड पॉइंट देखें जैसे उसने एरो से मेंशन किया हुआ पॉइंट सोर्स ठीक है तो अगर थ्री डायमेंशन में एक्स वाई और जी हो और पॉइंट सोर्स हो तो उस सोर्स से जब लाइट एमिट होगी तो वो सर्कल नहीं फॉर्म होगा वो बेसिकली क्या फॉर्म होगा स्फीयर फॉर्म होगा समझने बात क्या नहीं यस सर एक बार रिपीट कर दें ओके मैं बेटे बात ये है तीन चीजें हैं अगर लाइट है सोर्स करें लाइट है और वो वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट में पड़ी हुई है जस्ट वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट में तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकेगी जैसे आप ये देखें इस डायग्राम में लेफ्ट साइड पे उसने ग्रीन कलर में एक ट्यूब बनाई हुई है लाइट ट्यूब बनाई हुई है और उसने उसको ये रिप्रेजेंट किया हुआ इसमें कि ये एक क्या है हमारे पास एक स्टेट एक ही डायमेंशन में है तो वे एक ही डायरेक्शन में लाइट जस्ट मूव कर सकती है तो वो ना कुछ सर्कल बनाएगी ना कुछ बस स्टेट एक लाइन्स बनाएगी जिस भी डायरेक्शन में वो लाइट फ्लो कर रही है ना वो उस लाइन से अपवर्ड जा सकती है ना डाउनवर्ड ना लेफ्ट ना राइट व्हाटसोएवर सिंगल डायरेक्शन है एक ही डायमेंशन है तो एक ही स्ट्रेट पाथ बनेगा लेकिन अगर टू डायमेंशन में जाएंगे एक्स और वाई एक्सिस लेंगे जैसे कि राइट हैंड साइड पे है जब एक्स और वाई एक्सिस आप सपोज कर लेंगे तो दो डायमेंशन आ गई जब दो डायमेंशन में लाइट एमिट होगी तो लाइट हर तरफ जाएगी एक्स और वाई के अलोंग हर तरफ जाएगी और जब हर तरफ जाएगी तो वो क्या फॉर्म करेगी सर्कल्स फॉर्म करेगी अब लाइट को जूम करें ना तो लाइट जब एक जगह पे है और आप वो लाइट उस टू डायमेंशन से अपवर्ड नहीं जा सकती क्योंकि आपका जो रूम होता है ना जो हमारे कमरे होते हैं वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना तो आप अगर जी एक्स को ख़त्म कर दें और आप रूम के फ्लोर के ऊपर लाइट रखें और ये अज्यूम कर लें कि वो जो लाइट है वो फ्लोर से ऊपर नहीं आ सकती उसी फ्लोर पे रहेगी तो अगर उस फ्लोर पे अगर आप उस लाइट को अज्यूम करें तो वो ऊपर नहीं आ पा रही तो वो क्या बनाएगी वहाँ पे वो सर्कल्स बनाती जाएगी हर तरफ जिस जगह पे वो लाइट सोर्स है तो उस से जब लाइट मीट होगी तो वो हर तरफ जाएगी और जिस जगह पे भी आप उसको नोट करेंगे तो वहाँ पे पूरा एक सर्कल शेप आपको मिल रही होती है
ये टू डायमेंशन की बात होती है, लेकिन अगर आप उसी लाइट को इस चीज के में देखेंगे, थ्री डायमेंशन में देखें, अगर रूम में रख देंगे तो वो जो पॉइंट सोर्स जो लाइट है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से तीनों डायरेक्शन में जाएगी, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, लेफ्ट भी, राइट भी, तो तब वो सर्कल नहीं बनाएगी, तब वो क्या बनाएगी, स्फीयर बना रही होगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे आपने डिस्टेंस फाइंड किया था कि अगर एक्स वाई एक्सिस में एक्स के प्लस वाई स्केयर, और अगर जी में तो एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर होगा। तो लाइट को सपोज करें ना कि लाइट हर तरफ जा सकती है, लेकिन ये देखें कि आप उसको वन डायमेंशन में देख रहे हैं, टू डायमेंशन में देख रहे हैं, या थ्री डायमेंशन में देख रहे हैं, क्योंकि लाइट ने तो हर तरफ जाना ही जाना, लेकिन कंडीशन ये है कि वो लाइट का जो सोर्स है वो कितनी डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, या कितनी डायमेंशन के अंदर आप उसको स्टडी कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात, थोड़ी सी फिलॉसफी समझ आ रही है बात की कि नहीं सर? जी जी सर, आपने सर्कल का क्या बताया है वो जरा दोबारा बता दें। हम तो आपको समझ आई है बात? यस सर। इन्हें बताओ जरा, मे भी शायद मेरी वर्डिंग नहीं समझ आ रही, आप जरा जो जी नहीं सर, वो अच्छा लग गया था तो आपकी आवाज ही नहीं आई। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, हम तो बताओ जरा। सर आपने कहा है जो लाइट सोर्स है अगर उसको हम 1D में इमिट करेंगे तो सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, अगर हम उसको 2D में करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो जाएगी सर्कुलर फॉर्म में बनाती हुई जाएगी, उसमें सिर्फ एक्स और वाई होगा, वो हाइट गेन नहीं करेगा, इसलिए वो सर्कल बनते जाएंगे उसके। उसके बाद आपने 3D में बताया कि वो x, y और z उसमें हाइट गेन कर लेगा, वो फ्लोर से ऊपर भी आ जाएगी, तो वो एक कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा, फील्ड सर्कल जिसे कह ले। सर्कल को स्फीयर पे जब बनाते हैं ना तो वो पूरा का पूरा बॉल बन जाती है, और बॉल को अगर सेंटर से काट लो, जैसे आपके एक सी ड्राइव होती है, तो दैट इज अ डिस्क, तो डिस्क को अगर आप एक्सटेंड करो तो वो एक स्फीयर बन जाता है। ठीक है, ओके ओके सर, सही है। तो ये मैंने सर ये एग्जांपल बताने का पर्पस क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डायमेंशंस को डील किया जाता है। अगर आपको याद हो तो मिनट से पहले मैंने डायमेंशन भी एक्सप्लेन की थी कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन क्या है कि किसी भी इवेंट को प्रेजेंट करने के लिए कितने आपको उसकी कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर है, जितने रिक्वायर होते हैं उतनी क्या होती है डायमेंशन होती है। जी कुछ पूछना है? जी सर, सर वो जो में लाइट्स लगी होती थी तो वो किस तरह मूव, रूम तो पूरा रोशन हो जाता था तो वो लाइट किस तरह मूव करती थी? मैं समझा नहीं बात, किस रूम में? सर जो पुरानी लाइट्स नहीं थी लगी होती, वो जो लेंथ में होती थी यानी लंबी होती थी, तो वो उसमें लाइट क्या होती थी? वो बच्चे वो बात ये देखो ना, चीज को फिलॉसफी को समझो। इसमें जो हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है ना, इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि हम डायमेंशन खुद से बाउंड कर रहे हैं कि वन डायमेंशन में डिस्कस करना है, टू में करना है, थ्री में करना है, और जो लाइट सोर्स हमने ज़ूम किया ना दैट इज ओनली अ पॉइंट सोर्स। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट सोर्स, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से लाइट मीट होती है, देन इस तरह के बिहेवियर होता है। अगर मल्टीपल साइड से लाइट आ रही, जैसे अब आपने वो ट्यूब आपने डिस्कस की, तो वो ट्यूब क्या होगी, वो पॉइंट सोर्स नहीं है, वो हर तरफ से लाइट मीट कर रहा होगा, तो वो इस तरह का बिहेवियर वो शो नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो सर कोई कॉमन एग्जांपल नहीं है 1D और 2D की? वो तो हर कोई लाइट तो 3D में एग्जिस्ट करेगी मेरे ख्याल से। तो आप वही देखते हैं ना, रेगुलर लाइफ में तो 3D को करते ना, आम लाइफ में तो चीज नजर आती है। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ, हमारी जितनी भी जो अर्थ है वो सारी के सारी है 3D है। 1D तब भी होगी कि अगर आप वो एक डिस्क ले लो और उस डिस्क को आप अगर आप देखो और उसकी जो थिकनेस है डिस्क की, उस थिकनेस को इग्नोर करो, सिंपल एक पेज जो है यार, एक पेज ले लो ना आप, एक पेज के ऊपर अगर आप बाउंड लगा दो तो पेज के बाहर लाइट नहीं आ सकती। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है, थॉट है ना,
तो वो पेज के ऊपर जो भी चीजें आप ड्रा कर सकते हैं वो सारी की सारी टू डायमेंशन स्टडी हो रही होती है। ये जो आप डायग्राम आपके सामने ड्रा की हुई है दैट इज द टू डायमेंशन स्टडी, ठीक है, रियल लाइफ में नहीं है ये बात, नहीं रियल लाइफ में सारी चीजें थ्री डायमेंशन होती है। क्लियर है बात? जी सर। ओके, मैं जो मैंने उस डायग्राम्स पे मैं गया कि ये समझाने का मकसद क्या था कि इससे अब हमने डेवलप करनी थी बेसिकली लाइट कोन के वो कैसे कि अब मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे कि व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है ना आपको, क्योंकि वो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है एज अ होल, तो मैं कह रहा था जो भी मैं ओपन करूँ तो वो आपको शो हो जाए। ओके, ये चीज है। अब मैंने अभी जब लाइट की डायग्राम आपको, अगर ये एक स्पेस है और एक टाइम है तो ये 45 के एंगल पे मैं यहाँ अपना लाइट की वर्ड लाइन ड्रा कर रहा हूँ जी। ये देखो ये लाइट की वर्ड लाइन है, और सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी 45 के एंगल पे ही मैं लाइट की वर्ड लाइन ड्रा कर रहा हूँ। चरा व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा हमजा? नो सर, नो सर, शो नहीं हो रहा। ये होना चाहिए था स्क्रीन के ऊपर ही है वो। ओके, चलिए मैं पर्टिकुलरली व्हाइट बोर्ड शो कर लेता हूँ। अब देखो मैंने वो पहले वाली स्क्रीन वो खत्म करके सिर्फ व्हाइट बोर्ड शेयर किया। अब ये सर अब हो रहा, अब हो गया। यस सर, कोई नहीं, हो गया। ये स्पेस है, ये टाइम, मतलब ये फोर डायमेंशन में लाइट। हाँ, ये सारे जब मैं टाइम लिखूंगा ना तो ये जो स्पेस टाइम डायग्राम है ये मेरा फोर डायमेंशन ही होती है, ठीक है। ओके, अब इसको देखो कि ये 45 के डिग्री पे मैंने लाइट एमिट की है, 45 ये लाइट की वर्ड लाइन है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी x इज इक्वल टू t और इसकी स्लोप क्या थी 1, ठीक है। अब इसको इसका एक कॉमन नेम है लाइट कोन। अब लाइट कोन में हमें पता है कि c की स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमने फिक्स कर दी है, ठीक है, कांस्टेंट है। अब इस लाइट कोन को बनाया कैसे कि जो लाइट की जो वर्ड लाइन थी उसको आपने एक्सटेंड कर दिया नेगेटिव टाइम में भी और पॉजिटिव में भी, क्योंकि इस हिस्से में ये सारा का सारा यहाँ पे पॉजिटिव है और डाउनवर्ड क्या है जी नेगेटिव है, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे नेगेटिव है, स्पेस जो है यहाँ पे स्पेस की वैल्यू सारी पॉजिटिव है और इस जगह पर स्पेस की वैल्यू क्या है जी नेगेटिव है। अब स्पेस और टाइम डायग्राम में की मदद से हमने लाइट कोन को डिस्कस करना है, यानी कि हमने पास्ट और फ्यूचर को देखना है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है वो स्पेस टाइम डायग्राम में कहाँ पे और कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये बताओ ये डायग्राम जो मैंने बनाई है इसको समझ आ गई है कि इस डायग्राम में बेसिकली है क्या फिलोसफी क्या है इसमें? यस सर, एक जगह पे स्पेस है, एक जगह पे टाइम है, लाइट की वर्ल्ड लाइन ड्रा की हमने पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी, उनको हमने एक्सटेंड कर दिया तो वो एक क्रॉस की शेप हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है जी। अब ये देखो कि ये क्रॉस हमने ड्रा किया है, इस क्रॉस को अगर आप थ्री यानी कि इसको आप विजुलाइज करो तो अभी तो ये सिर्फ सिंपल क्या क्रॉस है पेड़ के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये क्या है थ्री फोर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरे का पूरा या इधर इस तरह से एक कोन की शक्ल में ये कवर कर रहा होगा। मुझे तो मेरी वो सही मान लिया कहते हैं ड्राइंग सही नहीं है, लेकिन ये इस तरह से पूरे का पूरा हिस्सा इसमें कवर करना है। ये आपको मैं इमेज में दिखाता हूँ, अब जो इमेजेस आपको मैंने शेयर किए हैं उनके आप उन पे वापस आते हैं कि सबसे पहले वेरी बेसिक को देखते हैं। मैं वाइट बोर्ड जगह से मैं दोबारा इमेज पे जा रहा हूँ, मैं मुझे बताइएगा कि आपको वो शो हो गया कि नहीं हो गया।
ठीक है, होगी सर इमेज ओके। आप इस ईमेल में देखें तो इसमें एक जगह पर लिखा हुआ है रीजन वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वही डायग्राम है जो अभी मैंने आपके सामने बनाई कि एक्स एक्सिस पे क्या है स्पेस है और वाई एक्सिस पे क्या है टाइम है। हमने लाइट को जो लाइट की वर्ड लाइन थी उसको हमने एक्सटेंड किया तो वो क्या बन गया था, एक क्रॉस बन गया था, ठीक है। तो जो जो जो, जो, जो आपको येलो रीजन नजर आ रहा है जो उसने येलो शेड किया हुआ है, ये बेसिकली सारे का सारा जो हिस्सा है ये वो चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आपकी जो वर्ड लाइन थी लाइट की उसके बिटवीन है। क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी क्या है जो बाउंड हो रही है इस येलो कोन को, लेफ्ट साइड से भी वर्ड लाइन जो लाइट की वो बाउंड कर रही है और राइट साइड पे भी जो वर्ड लाइन लाइट की वो बाउंड कर रही होती है। तो अब देखो अगर इस वर्ड लाइन को अगर मैं आपके सामने इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो इसमें जो रीजन हुआ है रीजन वन में और जो उसके अलावा ऊपर रीजन है, पहले मुझे सिर्फ रीजन वन का बताओ कि रीजन वन में अगर मैं बात करूं तो रीजन वन में कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर रीजन वन में कोई लाइन एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी स्पीड ज्यादा है या कम है रीजन वन में, क्योंकि हमने वर्ड लाइन देखनी है। अगर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की वर्ड लाइन अगर रीजन वन में आ जाए तो उस स्पीड ज्यादा या कम होगी सर, वो कांस्टेंट नहीं होगी सर, कांस्टेंट नहीं होगी, कांस्टेंट हो या ना हो वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इज दैट कि अगर वर्ल्ड लाइन रीजन वन में आ जाती है तो उसकी स्पीड लाइट के परस्पेक्टिव से कम होगी या ज्यादा होगी, ये सवाल है अभी। कांस्टेंट हो या ना हो इट डजंट मैटर, सिर्फ अभी ये सोच के बताओ ग्राफ को अंडरस्टैंड करके बताओ कि क्या रीजन वन में जो लाइन आएगी कम कैसे होगी, अगर ज्यादा ये कम है आपको रीजन बतानी पड़ेगी सर, क्योंकि वो वर्ड लाइन के रीजन के अंदर नहीं आ रहा, रीजन में नहीं आ रहा, लेकिन रीजन वन अगर ये इधर से अज्यूम करो ना, एक स्पेस है एक्स एक्सिस स्पेस है वाई एक्सिस क्या है टाइम है, स्पेस और टाइम के दरमियान जो ग्राफ बन रहा है वो ऑब्जेक्ट की क्या शो कर रहा है उसकी वर्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है, और अगर वर्ड लाइन स्टेट है तो वो कॉन्स्टेंट होती है, अगर अप डाउन हो रही है तो वेरिएबल स्पीड होती है व्हाट्स एवर। लेकिन फॉर द टाइम बींग सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि अगर मैं कोई लाइन ऐसी ड्रा करूँ जो कि रीजन वन से पास करते तो उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से कम है या ज्यादा है, ये सोचो साथ कि एक्स एक्सिस पे स्पेस है और वाई एक्सिस पे क्या है टाइम है। हाँ भी एनीवन सर, जी जी सर ज्यादा हो, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों रीजन क्या है इसकी सर, वो जो हमने मार्क किया था नीचे एक्स एक्सिस पे मतलब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू थी 3×10^8 तो वो फिर डबल हो ही जा रही थी, तो अगर वो लाइन हमारी हम ड्रा करते हैं जो ओरिजिन से पास हो रही है तो फिर वो ज्यादा ही होगी उसकी स्पीड। ठीक है ओके गुड, और कोई एनीवन, ठीक है बच्चे इसके अलावा कोई और कोई बच्चा जो कह रहा है कि ज्यादा होगी या कम होगी और अपने आंसर को डिपेंड कर सकता हो, ओके ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को कि मेरा क्वेश्चन ये था कि ये था मेरे में ये वाला था रीजन वन और क्वेश्चन ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो पॉइंट यहाँ पे इवेंट हैपन हो या लेट्स से यहाँ पे वर्ड लाइन ड्रा कर दूं मैं तो इस वर्ड लाइन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। तो अभी बच्चे ने बताया, आयशा ने बताया था आई थिंक,
ओके जी सर। हाँ तो आयशा ने ये कहा कि इधर ज्यादा होगी, तो यस इट्स वो ज्यादा होगी। वो क्यों ज्यादा होगी कि वैसे भी सिंपल है, ग्राफिकल एप्लीकेशन देखें कि अगर येलो लाइन पे अगर आप देखो तो ये क्या था हमारे पास, इधर ये स्पेस एक्सिस था और ऊपर टाइम एक्सिस था। जब आप लेफ्ट राइट मूव करेंगे, जब आप लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, तो लेट्स से मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर भी देता हूँ तो आपको, फिर मैं उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ओके तो ये हमने लाइन ड्रा की रेड में, ठीक है जी। अब क्वेश्चन यही था कि क्या इस ये जो वर्ड लाइन ड्रा की है इसकी स्पीड ऑफ लाइट, इसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो सिर्फ सिंपल एक चीज़ आपने देखनी थी कि इसमें ये देखो अगर आप, तो किस वाली लाइन के अंदर अगर मैं मार्क करूँ, लेट से ये फर्स्ट मार्क है जो कि जी 3×10^8, ठीक है जी। ये है दी 2 सेकेंड और ये है लेट से 1 सेकेंड। अब रेड वाली को अगर आप लाइन को देखो, उसने 1 सेकेंड में जो है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 3×10^8। 1 सेकेंड में उसने 3×10^8 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर की। लेकिन येलो लाइट ने सेम डिस्टेंस कितने कवर किया बताओ, दो सेकंड्स में। दो सेकंड में तो स्पीड किसकी ज्यादा है यहाँ पे, रेड वाले की। सिर्फ ये चीज आपने देखनी थी। अब ये देखो कि ये जो रीजन वन था जो उस डायग्राम में थोड़ा सा नीट बना हुआ था, कि रीजन वन क्या बता रहा है कि रीजन वन बेसिकली इनएक्सेसिबल है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी स्पेशल रिलेटिविटी क्या कहती है हमें कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कोई भी चीज ट्रैवल नहीं कर सकती, समझ रही बात की। तो इस लाइट को उनका जो फर्स्ट जो इसका है इम्प्लीकेशन है, जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में मूव करते हैं उन सब की वर्ड लाइन विद इन दिस पर्टिकुलर कोन बनती है, आउटसाइड द कोन नहीं बन सकती। यानी कि जो रेड लाइन मैंने बनाई ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो लाइट से ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल करेगी, जो कि हमारी थ्योरी कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वर्ड लाइन आउटसाइड द ये क्या कहते हैं हमारी लाइट कोन के नहीं ड्रा हो सकती, क्योंकि इसको हम कहते हैं लाइट कोन। जब आप इस तरह से स्पेस टाइम में आप बाउंड्री लगा देते हैं, बेसिकली आप बाउंड किसको लगा रहे हैं, स्पीड को, स्पीड लिमिट आप दे रहे हैं। तो जब आप इस तरह बाउंड कर दें और आप और पूरे के पूरे इवेंट्स को इसके ऊपर डिस्कस करना चाहें तो एज अ होल इट विल बिकम ना कोन लाइट, और कोई भी वर्ड लाइन जो है वो इसकी आउटसाइड ड्रा नहीं हो सकती। बात समझ में आई है कि नहीं आई, जी मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को वर्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी। ये सर लगी समझ। ओके अब वर्ड लाइन की प्रॉपर्टी आ गई। अब दूसरे नंबर पे ये वर्ड लाइन, तो अभी तो मैं पेज पे ड्रा कर रहा हूँ ना, लेकिन अगर आप इसको इमेज की शक्ल में देखें, अगर हम इसको देखें कि 4 डायमेंशन में देखें, अगर हम इसको अभी तो ये जस्ट आपके सामने उस शेप में थी ना, मैंने पेज पे था, लेकिन अगर आप इसको विजुलाइज करें तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म होगी कि लाइक मुझे डायग्राम ढूंढ लेने दे प्रॉपर। हाँ ये डायग्राम देखें जरा, शो हो रही है डायग्राम जो नहीं हुई है? यस सर हो गई शो सर। ओके अब इसको देखो कि ये उसने क्या किया, जो बेसिकली लाइट थी उसको उसने जो आप दो लाइन थी वर्ड लाइन जो लाइट की थी उसको उसने रोटेट करके 3D में आपको ये जो लाइन जो क्रॉस बना होता है उसको आप वन में रोटेट कर दें,
कौन बनेगी हमारे पास, ठीक है? तो इस कौन का आवाज नहीं आया, सभी को नहीं आएगी, सिर्फ आयशा को नहीं आ रही, काफी कट कट गया आज। अच्छा बच्चे कुछ इम्प्रूव हुई है कि नहीं? यस सर। ओके ओके, ये इस डायग्राम को देखो, डायग्राम में अब बात क्लियर है कि अभी भी नहीं है? ओके बच्चे, तो इस डायग्राम में देखो कि रीजन वन जो इसमें बना हुआ है, जब आपने वो जो आपकी वर्ल्ड लाइन से लाइट की उस क्रॉस को जब आपने 360 पे रोटेट किया तो वो थ्री डायमेंशन में एक कोण बन गया। अब डायग्राम में शो हो रही है, मैंने तो शो की हो रही है सर, हो रही है सर। ओके बच्चे, ओके, तो आप जब उसको रोटेट करते हो 360 पे तो ये कोण बन जाती है, उस कोण की राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है, यानी कि आउटसाइड द कोण जो है, सिंपल वर्ड, आउटसाइड द कोन कोई भी इवेंट फिजिकली हैपन नहीं हो सकता। जितनी भी मोशन होंगी, जितने भी आप वर्ड लाइन ड्रा करेंगे, वो विद इन दिस पर्टिकुलर कोन होंगे, समझ रहे हो बात? और रीजन आपको मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सारे के सारे इवेंट्स क्या होंगे, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रेवल कर देंगे, स्पेशल फॉर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बच्चे सुन रहे हो? यस सर, जी सर। ओके, ये फिलॉसफी समझना बड़ा जरूरी है वर्ल्ड लाइन को ना, ये अपने लाइट कोन को, कि सिर्फ और सिर्फ इवेंट जो हैपन होगा वो रीजन टू या रीजन थ्री में होगा। रीजन वन जो बेसिकली आउटसाइड द कोन सारे का सारे रीजन वन है, वहां पे आपका इवेंट हैपन नहीं होता होता। और इसमें जहां पे ये कोन मीट करती है, जो इसका मिड पॉइंट है, सेंटर है, जहां जो इसका मिड आपको नजर आ रहा है, जहां पे इसने ऑब्जर्वर रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वो जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा प्रेजेंट में होता है। ऑब्जर्वर हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट कहलाएगा, और वो ओरिजिन पे होता है, जो इसने यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। तो जो भी पर्सन ऑब्जर्व कर रहा होगा किसी भी चीज को, उसके लिए वो टाइम क्या होता है, वो प्रेजेंट पे होता है। और उसके बाद अपसाइड जो होती है कोन की, वो रिप्रेजेंट करती है फ्यूचर को, और कोन की जो डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिव साइड जो है कोन की, वो रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारे पास पास्ट को। यानी कि ये तीन चीजें होती हैं लाइट कोन में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो मिड पॉइंट है दैट विल रिप्रेजेंट द प्रेजेंट, और जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसका प्रेजेंट स्टार्ट होगा, और उसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी से बैकवर्ड क्या आ जाएगा, क्या कहते हैं, सॉरी, पास्ट, और उससे ऑनवर्ड क्या मिल जाएगा उसको, फ्यूचर मिल जाएगा। समझ रही बात आपकी? यस सर। ओके, टाइम एंड हो गया, कैजुअलिटी प्रिंसिपल रह गया मेरे पास, वो चलेंगे मैं आपको कल बता दूंगा। यहाँ तो बात समझ आ गई सबको, लाइट कोन की फिलॉसफी समझ आई है? यस सर। यस सर। ओके ओके, इस ये जो मैंने आपको जितने भी इमेजेस भेज दिए ना, इसमें सब में ही आपके पास बेसिकली लाइट कोन के लिहाज से ही था, कि इसे भी लाइट कोन को उसने एक्सप्लेन किया हुआ इसके अंदर भी, कि वही है कि एक्स स्पेस और टाइम एक्सटेंड कर दो और वर्ल्ड लाइन को एक्सटेंड कर दो लाइट की, तो उसके दरमियान सारी क्या बन जाती है, कोन बन जाती है, और डेट भी, और जितने भी इवेंट है वो कोन के अंदर होंगे, उसके बाइट नहीं जा पाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इमेज कौन सा है, ये नेक्स्ट नहीं हो रहा भाई, कैसे होगा नेक्स्ट? ओके जी, ओके, आप इमेजेस जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजे ना उनको देख लेना। बाकी इसमें आज की एक चीज रह गई है हमारी, कैजुअलिटी प्रिंसिपल का मैंने करवाना था आप लोगों को, वो मैं नहीं करवा सका, टाइम नहीं बचा हमारे पास, कैजुअलिटी रह गया। हाँ, फोर वैक्टर चलो हो जाएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा इंशाल्लाह कैजुअलिटी, मुझे याद करवा दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन है आमना की मंडे को, और ट्यूजडे को है हफ्सा के ग्रुप की,
और सैटरडे तक आप लोगों को अपनी पीडीएफ बना के ग्रुप में भेज देना व्हाट्सएप के, और इनकी प्रेजेंटेशन के एंड पे कैजुअलिटी प्रिंसिपल आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? क्लियर है बात? यस सर। ओके बच्चे, हफ्सा और आमना आप लोगों की नेक्स्ट वीक में है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी हफ्ते तक आप दोनों की प्रेजेंटेशन जो है ना, जो आप जिस तरह मैंने कहा था वो भेज देना बच्चों को, ठीक है, ग्रुप में। और जो इमेजेस मैंने शेयर की हैं इनको आप लोग देख लेना, और मैं ये भी यूट्यूब से मैंने लिए थे, तो मैं इनके लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा अगर आप लोगों ने किसी देखना हुआ तो, फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ओके सर। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़ सर।